हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैं आजकल अपनी इंट्रोडक्शन अलग तरह से देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका चावला और इस वक्त मैं हूँ साउथ ईस्ट के खूबसूरत कंट्री सिंगापुर में। यहाँ मैं अपने सपुत्र के पास आई हुई हूँ और इस वक्त मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे हूँ, मतलब सोसाइटी में हूँ। तो बहुत अच्छा सा मौसम है, दोपहर का टाइम है। पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है उसमें धूप है और जहाँ मैं हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडी है, यहाँ बहुत ज़्यादा शेड है, मतलब शेडी प्लेस है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंगापुर के मशहूर फ्रूट का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो वो फ्रूट हम कल ख़रीद के लाए थे, तो वो उसकी ख़रीदने की जर्नी भी मैं आपको दिखाऊंगी और उस फ्रूट के बारे में बताती हूँ कि वो फ्रूट ऐसा फ्रूट है कि जो कि सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट में ले जाना बैन है। उसकी स्मेल ओवर पावर्ड है, मतलब स्मेल बहुत तेज़ है। जबकि मेरे को उसकी स्मेल अच्छी लगी, जब मैं वहाँ पर डोरियन ले रही थी तो जब वो कट रहा था तो मुझे उसकी स्मेल अच्छी लग रही थी। इवन उस जगह पे जहाँ पर दो तीन जगह मैंने देखी फ्रूट शॉप्स पे जहाँ पर डोरियन दे रहे थे और लोग खा रहे थे, तो मुझे उसकी स्मेल अच्छी लग रही थी। लेकिन कई लोगों को देखा कि वो लोग ग्लव्स डाल के डोरियन को खा रहे हैं। और अब जब डोरियन को लोग लेके जाते हैं ना, अगर ट्रांसपोर्ट पर लेके जाना होता है तो वो प्रॉपर तरीके से पैक किया होता है। मैंने भी जब उसको ख़रीदा तो वो प्रॉपर तरीके से पैक करके मुझे मिला। तो फ्रेंड्स, वो एक फ्रूट महंगा भी है। अब मैं आधा किलो फ्रूट लेके आई हूँ, अगर उसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो 3,500 का है। अब डॉलर का तो हिसाब सिद्धांत को पता है, मैंने तो नहीं पता, लेकिन मैंने उससे पूछा था कि इंडियन करेंसी में कितने का होगा। उसे कहा 3,500 का। मैंने कहा वो महंगा है, पर जो डॉलर में कमाता है वो तो डॉलर खर्चता है ना, तो इतना क्या सोचना। तो फ्रेंड्स, आज मैं वो फ्रूट खाने वाली हूँ। खाने क्या वाली हूँ, मैं आज सुबह उठी तो मुझे घर में उस डोरियन फ्रूट की स्मेल आई थी। उससे पहले वो पैक था, फ्रिज में पड़ा था, तो उसमें कोई स्मेल नहीं थी। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि कितनी अच्छी तरह से पैक किया, इसकी तो कोई खुशबू नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रही थी डोरियन की स्मेल आ रही है। तो थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम पहले, सिद्धांत मेरे पास आया कि मम्मा इसको लेकर आए हो तो खाओ। मैंने कहा अरे तूने खोल दिया, मैंने तो यूट्यूब फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करवाना था इसको। तो खैर, अब उसने खोल दिया है, लेकिन मैं चलती हूँ और मैं बताती हूँ कि वो खाने में कैसा है। और उसमें ना कैंसर से प्रिवेंशन की क्वालिटीज़ हैं कि वो कैंसर को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे विटामिन्स भी हैं। इसके अलावा वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। तो ये क्वालिटीज़ भी हैं उस फ्रूट के अंदर। और देखने में लगता है कटहल की तरह बाहर से। तो चलिए आप जर्नी देखिए कि मैंने उसे कब ख़रीदा और मैं कैसे खाती हूँ और मुझे कैसा लगता है। लेकिन ब्लैक कलर के कबूतर हैं, तो यार कितने खूबसूरत कबूतर है, एकदम जेट ब्लैक, और कितने खूबसूरत कबूतर है। बच्चे ने उड़ा दिए कबूतर के। लिफ्ट के बाहर ही क्या लगा है, स्कैन टू रिसीव ईमेल अपडेट्स ऑफ द विंडो। आइए हम खरीदते हैं एक अमेजिंग सा फ्रूट जिसमें कि कैंसर से प्रिवेंशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये फ्रूट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, बाहर से बिल्कुल कटहल की तरह है। हमने अपना पीस सिलेक्ट कर लिया है और शॉपकीपर ने बड़े स्टाइल से उसे काटा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि इस फ्रूट के बारे में काफ़ी टाइम से सुनती आ रही हूँ, लेकिन खाने का मौका मुझे पहली बार मिलने वाला है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रूट है, मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो भी कर रही थी इस फ्रूट को। लेकिन इंडिया में भी आता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा आता है क्योंकि इसे कैंसर प्रिवेंशन की दवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसे पैक करवाते हैं और देखिए कितनी अच्छी तरह से पैक कर रहे हैं। इसका मैंने देखा कुछ पोर्शन खाली भी था, मतलब अंदर से कुछ नहीं निकला, एक पोर्शन में इसका कुछ नहीं था। तो अब देखिए ये इसको कंटेनर में डाल रहे हैं और उसके बाद इसको मशीन के अंदर डाला जाएगा और उसको अच्छी तरह से सील बंद कर दिया जाएगा, फिर उससे ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो अब ये मेरा वाला जो फ्रूट है वो सील बंद हो गया है और मुझे पैक करके दे दिया गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं इसको पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है डोरियन और ये जब मैं लेकर आई थी ना तो ये इतनी अच्छी तरह से पैक था और ये सिद्धांत ने इसको खोला है और सचमुच इसकी स्मेल बहुत 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 ज़्यादा तेज़ है कि फ्रिज में रखा होता है लेकिन बेडरूम तक स्मेल आती है। तो अब मैं इसको
ट्राई करती हूँ। तो ये इस तरह से है ये, और ये चिपचिप भी करता है। मैं एक पीस स्टार्टिंग में खा के देखती हूँ, ये पूरा एक पीस है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो अब मैं इसको खाती हूँ और देखती हूँ कैसा है। मुझे इसके बीच में ना बीज है, जैसे कि कटहल के बीच में बीज होता है। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी है, मीठा है लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज है, इवन खाने में। लेकिन सिंगापुर में लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। पता कैसा टेस्ट है इसका, मीठा लेकिन साथ में जैसे प्याज की महक होती है ना, अंदर अंदर आती है तीखी महक, वैसा है। बहुत मीठा है, अंदर तक मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने प्याज खाया है, ऐसा है। लेकिन ट्राई करना था, काफी टाइम से सुन रही थी, पढ़ रही थी इस फ्रूट के बारे में, और जब पिछली बार जब लास्ट टाइम मैं आई थी तभी भी मैं इसे ट्राई करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने मौका मिला तो मैंने ट्राई कर लिया। सिद्धांत मुझे मना कर रहा था मत खाओ मत दो मत दो, लेकिन मैंने ले लिया। आप बताइए, कोई बहुत ज्यादा मीठी चीज हो और अंदर जो आपके अंदर फ्लेवर जा रहे हो वो प्याज के जा रहे हो, लेकिन सच बताती हूँ सिंगापुर में, इस कंट्री में लोग इस फ्रूट को बहुत प्यार करते हैं। ऑल्दो ये इंपोर्ट होता है, सिंगापुर में नहीं लगता, लेकिन लोग इसके बहुत बड़े फैन हैं। अब इसकी मेरे को इसके बारे में नहीं पता, इसके बीज के बारे में नहीं पता कि इसको खाते हैं या नहीं, लेकिन मीठा है। इंडिया में भी मिलता है, आप जरूर ट्राई कीजिए, बाग बाग हो जाएगा मन। इतना टेस्टी फ्रूट, लेकिन प्याज का फ्लेवर आ रहा है। अब समझ आया कि ये ट्रांसपोर्टेशन में बैन क्यों है। खाना पड़ेगा, सिद्धांत गुस्सा हो जाएगा, खाना पड़ेगा। अच्छा है,